हे गाइस वेलकम टू माय रेसलिंग चैनल। तो गाइस फाइनली वो चीज़ हो चुकी है, ड्रू मैकइंटायर का हील टर्न हो गया, जेडी मैकटर्नर इंटर्न हो चुके हैं अंदर जजमेंट डे के, एंड गाइस न्यू मेंबर भी मिल गया जजमेंट डे को, एंड वॉर गेम का फुल सेटअप हो चुका है। तो गाइस शो की स्टार्टिंग जो होती है वो शो की स्टार्टिंग होती है कोडी रोड्स की टीम एंड जजमेंट डे से। तो भाई साहब प्रोमो कट किया, बहुत अच्छा प्रोमो कट किया, जिसमें बहुत अच्छा प्रोमो कट डेमियन ब्रीज ने किया। उन्होंने कहा कि तू सबको हरा चुका है लेकिन तुझे वर्ल्ड हैवीवेट टाइटल नहीं मिला अभी तक। तो गाइज उसी पे सेथ रॉलिंस ने कहा कि आज टुनाइट मैच कंफर्म कर दिया टैग टीम चैंपियनशिप का, अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैग टीम चैंपियनशिप का। तो मैच कंफर्म हो गया था। एंड गाइज उससे पहले प्रोमो के बाद जेडी मैकडोनल्ड सेथ रॉलिंस का मैच था। तो गाइज ये मैच स्टार्ट हो गया, मैच बहुत अच्छा चला, परफेक्ट मैच था, लेकिन भाई साहब इसे इंटरफेरेंस हुई और इतनी ख़तरनाक इंटरफेरेंस हुई है, रिया रिपली मामी भी आ जाती है, एंड भाई साहब जो इंटरफेरेंस हुई है उसे रोकने के लिए गार्ड्स को बुलाना पड़ता है। मतलब वॉर गेम है तो स्टोरी बिल्ड करनी अच्छी बनती है। तो गाइस यार कितनी ख़तरनाक ब्रॉल हुई, एंड इस पे हमारे जो हैं मेन मैनेजर वो आते हैं, बोलते हैं कि ये वैसे वैसे कि तू क्या कर रहे हैं, ये कर रहा है वो कर रहा है। तो उन्होंने ये मतलब चीज़ें बोली, एंड गाइस उन्होंने रिया रिपली को कह दिया कि तेरा भी मैच है सर्वाइवर सीरीज में जोई स्टार्क। तो जोई स्टार्क आती है, एंड गाइस तभी प्रोमो कट करती है रिया रिपली उनके सामने, एंड भाई साहब जो प्रोमो अग्रेशन है ना, मामी का करैक्टर तो नेक्स्ट लेवल चल रहा है, एंड मुझे नहीं लगता कि मामी हार सकती है। एंड भाई साहब जो करैक्टर बिल्ड किया हुआ है ना रिया रिपली का, उन्होंने इतने खतरनाक प्रोमो कट किया, आप सोच नहीं सकते यार। उन्होंने कहा कि तुझे मैं सर्वाइवर सीरीज में देख लूँगी, तुझे मैं पहले भी हरा चुकी हूँ, मैं सबको हरा चुकी हूँ। एंड गाइस इस प्रोमो के बाद वो अटैक करने जाती है, लेकिन अपर हैंड मिलता है जोई स्टार्क को। तो यहाँ पर जोई स्टार्क मिल गया अपर हैंड, क्योंकि उन्हें भी वीक नहीं दिखाना है, स्ट्रॉन्ग दिखाना है। तो हमारे नेक्स्ट है गाइस वो था मैच ओटिस वर्सेस शिंसुके नाकामुरा, एंड इस मैच में आसानी से शिंसुके नाकामुरा जीत चुके हैं, एंड क्योंकि उन्हें वीक नहीं दिखाना। तो ओटिस एंड शिंसुके नाकामुरा मैच था, मैच अच्छा था, ओटिस को भी सही बुकिंग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें विन दे रहे हैं शिंसुके नाकामुरा का। लग रहा है कि कोई ना कोई तो उनके लिए बड़े प्लान हैं जिसके कारण उन्हें विन दी जा रही है इतने अच्छे। एंड गाइस इसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच था वो था DIY के टोमासो चैम्पा वैसे लुटके काइजर, मैच अच्छा था, इंटरफेरेंस हुई, बाहर भी गए उनके जो लुटवी काइजर उनके फ्रेंड पीरियन के, लेकिन गाइस एट द एंड टोमासो चैम्पा हार चुके हैं। एंड गाइस यार क्या फ़ायदा हो रहा है, मतलब इस मैच में कोई यार रिएक्शन नहीं था, कोई मतलब वो नहीं था, मतलब कि पीपल का ऑडियंस का बहुत ज़्यादा रिएक्शन मिल रहा हो, कोई हेट मिल रही हो, मतलब कुछ नहीं था यार। टोमासो चैम्पा DIY टीम को कुछ लग नहीं रहा कि अभी कुछ उन्हें इतनी हाई मिल रही है मेन रोस्टर पे, ऐसे लग रहा है जैसे आ रही हैं रसल कर रही हैं, कोई रिएक्शन मिल रहा है जा रही हैं। उसके बाद नेक्स्ट था हमारा बैक स्टेज सेगमेंट जिसमें मिज़ थे, मिज़ के साथ बाद में पीछे से आते हैं आइवार, एंड फिर ब्रॉन्सन रीड आते हैं, वो कहते हैं मैं तुम दोनों को हरा सकता हूं, एंड इनका मैच भी था आइवार वर्सेस मिज़। एंड गाइस उसके बाद हमारा नेक्स्ट मैच था पाइपर नेविस वर्सेस डीके नॉक्स, और इस मैच में डीके नॉक्स जीत चुकी हैं, पाइपर नेविस हार चुकी हैं। ठीक है, डीके नॉक्स को फ्यूचर में अच्छा देती है WWE, तो वो उन्हें दे दिए विन। एंड गाइस नतालिया भी थी डीके नॉक्स के अराउंड, एंड गाइस इंटरफेरेंस भी हुई, लेकिन डीके नॉक्स जीत चुकी हैं इस मैच को। एंड गाइस हमारा नेक्स्ट सेगमेंट था बैकस्टेज जजमेंट डे का सेगमेंट, एंड भाई साहब जजमेंट डे का सेगमेंट बहुत अच्छा था, एंड जिसमें दिखाया गया रिया रिपली मैकडाना तो बैन थे रिंग के इनसाइड, उन्हें रिंग में घुसने नहीं दिया जाएगा जो मेन इवेंट मैच होना था। और गाइज इसका सबसे बेस्ट या जो लास्ट में मूवमेंट देखने को मिला ना वो मुझे सबसे अच्छा लगा। एंड गाइज जजमेंट डे ने मैकडाना को जजमेंट डे में ले लिया है, एंड गाइज खुद हमारे डेमियन ब्रीज उन्हें जजमेंट डे की जैकेट देती हैं, एंड कहते हैं कि तुम एंटर हो जजमेंट डे में। एंड भाई साहब जो मूवमेंट था ना कतई जहर मूवमेंट। एंड उसके तो गाइस उसके बाद हमारा सेगमेंट होता है बैक स्टेज मेज़ और गंथर का, एंड मेज़ गंथर को कहते हैं कि तू चाहे लॉन्गेस्ट चैंपियन है लेकिन मैंने 7 times इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप को होल्ड किया है, एंड इसे एक प्रेस्टीजियस टाइटल बनाया है कि उस लेवल का टाइटल मैंने बनाया है, तुझसे पहले ही मेरे पास ये चैंपियनशिप थी, एंड मैंने 8 times द बेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन हूँ और तू लॉन्गेस्ट चैंपियन होगा लेकिन मैं तुझे हराऊंगा। एंड गंथर कहते हैं मैं तेरे रिस्पेक्ट करता हूँ लेकिन गाइस गंथर का करैक्टर जिस लेवल पर चल रहा है मुझे नहीं लगता सर्वाइवर सीरीज में वो हारेंगे, एंड अगर हारेंगे तो बिगेस्ट शॉकर्ड मूवमेंट होगा, क्योंकि भाई साहब इतना लॉन्गेस्ट टाइटल रेन लेके हैं ना, आप सोच नहीं सकते। वो गंथर एंड मिज़ या किस लेवल का होगा, एक बंदा 8 times इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है, एक बंदा लॉन्गेस्ट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन है। एंड गाइस इनका जो मैच इनका मैच नहीं सच मिज़ का मैच था आई बार के साथ, मैच बहुत अच्छा था,
मूव बहुत परफेक्ट है, लेकिन इस मैच के बीच में ही जो हमारे ब्रॉन्सर रेड होते हैं वो आगे बैठते हैं एंड भाई कुर्सी पे आगे बैठते हैं, एंड जो भाई साहब मैच थे मूवमेंट थे बहुत परफेक्ट मूवमेंट थे। एंड गाइज इसमें मिस जीत चुके हैं ब्रॉन्सर रेड की इंटरफेरेंस से, लेकिन गाइज ब्रॉन्सर रेड ने अपनी सुनामी लगा दी, अटैक कर दिया आईवार पर। एंड भाई साहब ब्रॉन्सर रेड वर्सेज आईवार की स्टोरी आगे चलने वाली है, यहाँ से हिंट मिल चुका है, क्योंकि ब्रॉन्सर रेड और आईवार दोनों ही भाई साहब जायंट्स है एक हिसाब से। तो गाइज ये इनकी मतलब फाइट थी, मिस जीत गए और ब्रॉन्सन रेड आईवार की आगे स्टोरी चलेगी। नेक्स्ट था बैक स्टेज सेगमेंट जिसमें टैग टीम बैठी होती है, एंड भाई साहब बीच में एक रिक ब्रदर्स भी होते हैं, न्यू डे होती हैं, एंड गाइज हमारे ओटिस होते हैं और ये टैग टीम की बात कर रहे होते हैं, सेगमेंट था छोटा सा। एंड गाइज मेन इवेंट मैच था कोडी रोड वर्सेस कोडी रोड जे उसो एंड जजमेंट डे के दो मेंबर फिन बैलर एंड जॉडी मैकडोना। मैच बहुत परफेक्ट था, बहुत अच्छा था, कोडी रोड ने अपना फिनिशर भी लगा दिया था, बहुत परफेक्ट मूवमेंट थे यार, बेस्ट बेस्ट मूवमेंट थे इस मैच में। इस मैच में सबसे परफेक्ट चीज़ थी एंड में, भाई साहब इतने बेस्ट मूवमेंट दिए ना, फिनिशर लगा दिया जे उसने, अपना स्लैश लगा दिया, सुपर किक लगा दी, अपना फिनिशर कोडी रोड्स ने लगा दिया, लेकिन तब भी नहीं जीत रहे थे। लास्ट मूवमेंट में गाइस बाहर गिरे होते हैं सब, एंड भाई साहब जिमी अपनी वो लगा देते हैं स्लैश बाहर को, एंड गाइस ड्रू मैग्नेटायर आते हैं एंड भाई क्लेमोर लगा देते हैं जे उसो को, एंड गाइस पिन कर देते हैं, तभी वो अंदर फेंक देते हैं और फिन बैलर पिन कर देते हैं जे उसो को, एंड वो अपनी रिटेन कर चुके हैं चैंपियनशिप। एंड गाइस ड्रू मैग्नेटायर ने जाते हुए रिया रिप्ली से हाथ मिलाया, एंड भाई साहब ड्रू मैग्नेटायर होंगे वॉर गेम में जजमेंट डे के अंदर 5-on-5। एंड गाइस इससे ये बता रहा है कि रैंडी ऑर्टन सर्वाइवर सीरीज में आएंगे, एंड भाई साहब वो क्लियर करेंगे, वो करेंगे कोडी रोड्स की टीम में एंटर। तो गाइज ये 5-on-5 होने वाला है, एंड अब ड्रू मैग्नेटायर का वो जहर फेस दिखेगा ना आपको, जो आप देखना चाहते थे इन हील में, जो आए थे वही फेस लेके आने वाले हैं हील। और बैक स्टेज इन्होंने सेथ रॉलिंस से भी मीट की थी, एंड सेथ रॉलिंस से कोडी रोड से भी मीट की थी। एंड भाई साहब इसमें जो कंक्लूजन लेकर रहा है ना कि स्टोरी बहुत ख़तरनाक होने वाली है, मुझे लग रहा है यार जो ड्रू मैग्नेटायर वो न्यू लीडर बनेंगे जजमेंट डे के, क्योंकि लीडर कोई है नहीं और जजमेंट डे को लीड करेंगे ड्रू मैग्नेटायर, एंड डील हुई है रिया रिप्ली के साथ। कुछ भी हो सकता है गाइज, ये सारी अपडेट्स है, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।